यहाँ पे हमने बड़े साइज का कुकर लिया है, यहाँ पे गैस ऑन करके रख दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऑयल डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो कि हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल मसाले में। अपने प्याज को हम अच्छे से थोड़ा ब्राउन कर लेंगे ताकि हमारी दाल में कच्चापन ना रहे। यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम बताएंगे अब इसमें मसाला कौन कौन सा डाल। देखो हमने यहाँ पे बड़ी साइज की प्याज, 2 लहसुन और सारा गरम मसाला हमने खड़ा डाल के इसमें पीस लिया। अब इसको हम डाल देंगे इसी में, जो हमारा मसाला है। थोड़ी सी गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च। हमने हरी मिर्च का नाम ले लिया, उसमें लाल मिर्च डाली जाती है। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून धनिया ले लिया, धनिया पाउडर डाल देंगे हम। 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार अपने। यहाँ पे हमने अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर, उसको स्लो फ्लेम कर दिए हैं। अच्छे से हमारा मसाला पक जाएगा धीरे धीरे से, जब तक हमारा तेल छोड़ ना दे, जब तक हम इसको पका लेंगे ऐसे ही। इनका मसाला हमने तैयार किया, तो अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर कटे हुए 2 स्लाइसेस, यहाँ पे बैंगन जो हमारे छोटे होते हैं उसको डाल देंगे। यहाँ पे हमने अरवी ली है, जो कि अब इसमें हम अरवी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने जो चने की दाल 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, देख सकते हैं आप उसका, और इसको हम डाल देंगे। हमने लिया है 2 ग्लास चने के, इसको हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 बड़े ग्लास से हम पानी डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं ग्लास का साइज़ हमारा, देख सकते हैं, क्योंकि जो आप 1 ग्लास दाल बनाएंगे तो आपको 1 ग्लास ऐड करना पड़ेगा उसमें, 1 बड़े ग्लास से। हमने 2 ग्लास यहाँ पे दाल ली थी, तो हमने 2 बड़े ग्लास से पानी भी डाला इसमें। मिक्स करके इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको हम हाई फ्लेम में पका लेंगे। 5 सीटी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम खोले हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी दाल पक चुकी है। चला के हम आपको दिखा देते हैं, ज़्यादा हमारी दाल गली नहीं है। हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे अपने थोड़ी सी। हमारी दाल पक चुकी है, हम इसमें धनिया के पत्ते भी डाल दिए हैं। आप सब देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से गल गई है, ज़्यादा भी नहीं गली हुई है, मीडियम में हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं, आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी घर पे अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। चने की दाल, अरवी की दाल बनेगी मसालेदार, बहुत टेस्टी बनेगी, घर पर अपने ट्राई कर सकते हैं। होटल जैसी बहुत कम समय में अच्छे से तैयार हो जाएगी हमारी दाल। आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।